समथिंग रॉन्ग दैट इज़ हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया इन द नेम ऑफ एग्ज़ाम जो कि क्लेम कर रहे थे कि हमारे पास नीट पी जी का पेपर है और ना सिर्फ है वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू फॉर सम मनी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया इससे मेंटल प्रेशर मेंटल एगोनी के अंदर है जो स्टूडेंट्स हैं एक के बाद एक जैसे पेपर रद्द और पेपर पोस्टपोन होने का मामला सामने आ रहा है वैसे वैसे बच्चों में जो छात्र हैं इस समय जो डॉक्टर्स या तमाम जैसे कि यूजीसी नेट और नीट यूजी और अब नीट पीजी जो इन पेपर्स की पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है कुछ बच्चे डिप्रेशन में पहुँचे हैं और कुछ बच्चों ने आत्महत्या जैसे बड़े कदम भी उठाए हैं इसी को लेकर अभी हमारे साथ मौजूद दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर डॉक्टर ध्रुव चौहान जी इनसे बातचीत करेंगे कि जो पेपर पेपर लीक हो रहे हैं डॉक्टर पेपर कुछ रद्द हुए हैं और पोस्टपोन भी कर रहे हैं तो ये पूरा मामला आखिर क्या लगता है आपको एक्चुअली क्या एक्चुअली ये जो इशू स्टार्ट हुआ था जब पाँच मई को जब एग्जाम्स नीट यू के आए थे तभी से हमने इस मैटर को उठाया था एंड uh, सबके सामने पब्लिकली लाया था कि एग्ज़ाम uh, लीक जैसी एलिगेशन सामने आ रही हैं और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने ये बात कही थी मिनिस्ट्री ने ये बात कही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है कोई एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है बट हम कंसर्न थे क्योंकि हमारे पास जो न्यूज़ uh, आ रही थी जो कंसर्न स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग दैट इज़ हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया इन द नेम ऑफ एग्जाम बट ये चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी थी जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आए नीट यू की एंड आफ्टर दैट सारा एक्सपोज हुआ एंड उसके बाद से ही हमने ये देखा है कि नीट पी जी यू जी सी नेट सी एस आई आर नेट ये जितने एग्जाम हुए लाइन से ये सब के सब एक्सपोज हुए और हमें पता चला कि द एग्ज़ाम इज नॉट फेयरली कंडक्टेड एंड हैंस दिस इशू यू नो केम आउट और लोगों को इसके बारे में पता चला नीट पी जी पोस्टपोनमेंट के साथ भी सेम हुआ मैंने uh, आज से ये नीट पी जी की न्यूज़ अभी आई है बट इससे तीन दिन पहले मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे रिगार्डिंग सम एलिगेश बाय सम पीपल एंड सम सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि क्लेम कर रहे थे कि हमारे पास नीट पीजी का पेपर है और ना सिर्फ है वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू फॉर सम मनी ये सब भी सामने आया था जिसके लिए मैंने कंसर्न साइबर एनालिटिक्स डिपार्टमेंट को भी इसके बारे में बताया था बट उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ था तब उन्होंने लेकिन इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन जस्ट टेन टू ट्वेल्व आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम उन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया इसका जो इफेक्ट है वो लोगों पे इतना गलत पड़ा है कि जो लोगों ने अपने टिकट्स बुक कर ली थी जो लोगों के पेरेंट्स जिन पी नीट पी जे के पेरेंट्स यू नो आ, बाहर से अपनी जॉब छोड़ के अपने आ, बच्चे के भविष्य के लिए उसके साथ गए थे उन सबको धोखा मिला और ऑल ऑफ अ सडन उन्हें पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया इससे मेंटल प्रेशर मेंटल एगोनी के अंदर है जो स्टूडेंट्स हैं और साथ साथ उनके पेरेंट्स पे भी उतना ही फर्क पड़ा है अब जो मनी इन्वेस्टमेंट टाइम जो कुछ भी इनमें इन्वेस्ट हुआ है उससे इन सबका बहुत नुकसान हुआ है क्या गवर्नमेंट वो पैसा वो इन्वेस्टमेंट वो टाइम वो जो नीट पी के एक्सपीरियंस अपनी जॉब छोड़ के बैठे हुए थे क्या उनके लिए वो जितना उनका इन्वेस्ट हुआ है क्या उन्हें वापस दे पाएगी जी एक और बात सामने आई कि जो इस पेपर के लिए छात्र आए थे वो देश भर से आए थे नीट पीजी में अलग-अलग जगहों पर सेंटर थे उस वजह से जो एमबीबीएस ऑलरेडी कर चुके थे डॉक्टर्स वही पीजी का एग्जाम देते हैं तो उनका जो समय वहां पे बर्बाद हुआ है और आप भी एक डॉक्टर हैं तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं एब्सोल्युटली आप ये बात जान के बहुत शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसे भी स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं मैसेज जिनका मैंने पोस्ट भी किया जिनके रिगार्डिंग जो सिर्फ़ आप इंडिया को छोड़िए दुबई से तक आए थे कि वो अपने एग्जाम को देने के लिए आए थे जस्ट बिकॉज वो फेयर ट्रायल दे सके अपना एक बार और अपने आप को मौका दे सके ऐसे ही जिन लोगों को सेंटर इशूज़ हुए थे किसी को छत्तीसगढ़ किसी को झारखंड अपने स्टेट्स जिसको नहीं मिले थे उन्होंने कोई लखनऊ में गया कोई कहीं और गया उन लोगों के साथ भी उन्होंने सब कुछ कर दिया था और एट द एंड ऑफ द डे ये जो कैंसिलेशन हुआ है उससे उनको बहुत भारी इफेक्ट पड़ा है दे आर यू नो सस्पिशियस कि अब क्या होगा आगे कब होगी नेक्स्ट डेट सो दे डोंट नो क्या उन्हें वहाँ रहना है या वहाँ से जाना है क्या करना है दे डोंट नो एनी जी और एक कोई ऐसा मैसेज जो आप उन बच्चों को एज अ डॉक्टर क्योंकि आप भी उन्हीं चीज़ों से निकल कर आए हैं जो चीज़ों अभी वो फेस कर रहे हैं वही सेम एग्ज़ाम वही सेम पुलिस स्टडी का प्रोसीजर तो एक वो मैसेज आप क्या उनको देना चाहेंगे जो बच्चे इस समय डिप्रेशन में या फिर ऐसे बड़े कदम उठाने का सोच रहे हैं एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे वी शुड ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड हमें एक पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए एग्ज़ाम की और वो पॉजिटिव साइड ये है कि हमें uh, कुछ ये एग्ज़ाम होने के बाद अगर ये कैंसिलेशन होता तो वो शायद ज़्यादा खतरनाक होता उससे लोगों पर और भी ज़्यादा फर्क पड़ सकता था बट उससे पहले ही ये एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया है तो इसको हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले सकते हैं कि हम को इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिला है हम उस एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी नॉलेज और अपना एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम बेहतर एग्जाम दे सकते हैं तो एक पॉजिटिव साइड इसकी ये भी है तो हमें पॉजिटिव uh, साइड को कभी डिनाई नहीं करना चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट जैसा कि अभी आपने देखा तमाम बातचीत में डॉक्टर ध्रुव चौहान ने ये बात साफ़ करी कि, कि किस तरह का पूरा प्रोसेस होता है और वो बच्चे जिन जो बच्चे पेपर देने वाले थे वो छात्र जिनका पेपर छूट गया उनको किस तरह सिचुएशन को टैकल करना है एक पॉजिटिव साइड को भी साथ में लेके चलना लेकिन आपकी जानकारी ले के लिए हम बता दें कि सी एस आई आर नेट यू जी सी नेट और नीट यू जी नीट पी जी जैसे तमाम चार बड़े एग्जाम अभी तक रद्द हो चुके हैं और पेपर लीक का मामला भी सामने आया है इस पूरे मामले पर क्या सोचना है आपको हमें ज़रूर बताइएगा कैमरा मैन के साथ खुश ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਰੇ